गाइस कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले घास के लिए और मेरे साथ में जा रहे हैं मेरी लाइफ पार्टनर और जो मेरा अभी पहली बार मेरा सहयोग दे रही कैमरे पे। तो चलते हैं हम। और हमारे पहाड़ों में इसके लिए बोलते हैं जूड़ा। और इस पर लाने वाले हैं हम घास, जो पूरी बड़ी बड़ी गड्डी होती है और इस पर बांधेंगे और पीठ में लेके आएंगे। और ये है दराती, ये छोटी वाली है और ये थोड़ा बड़ी है, इससे काटेंगे हम बड़े बड़े पेड़। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। ये है बांध का पेड़ और ये भी घास के लिए होता है और गायों के लिए, भैंस के लिए होता है। ये गाय तो कम ही खाती है लेकिन हमारे पहाड़ों की भैंस इसको ज़्यादा खाती है और इसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। फ्रेंड्स, पहाड़ों की लाइफ आसानी होती है यार। यहाँ पे सुकून तो होता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हर चीज़ में, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन हर किसी को यार मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और किसी चीज़ के लिए जाना है तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे जाना पड़ता है या तो बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। तो हर किसी काम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसका फल कम ही मिलता है वैसे तो। फ्रेंड्स, पहाड़ी लाइफ स्टाइल उतनी आसानी है और आपको मेरे ब्लॉग में ऐसे बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे कि पहाड़ी लाइफ कैसे चलती है, कैसे जीते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँचने वाले खेत में और आज तो यार पेड़ काटना पड़ेगा भैंस के लिए, बोलते हैं ना वो उत्पन्न होने के लिए, तभी दूध देगी भैंस। तो मुझे ये ऊपर पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा और पेड़ काट के फिर घर भी लाना पड़ेगा। काफ़ी दूर है घर से हमारे यहाँ खेत में जहाँ हम पेड़ काटने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि पेड़ पे कैसे चढ़ता हूँ मैं। आज तो मैं ही जाने वाला हूँ यार पेड़ पे। और एक है बंदा जिसको आता नहीं है पेड़ पे चढ़ना, लेकिन जिसको आता नहीं है उसको भेजना भी कैसे है यार, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे में। और वो है मेरा लाइफ पार्टनर, उससे भी मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा लेकिन उसका भी टाइम आएगा तब, पहले ही नहीं आपसे मिलवा सकता मैं। तो फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूँ आपको अपने पुराने घर पे जो बहुत सालों पहले हमारे दादा लोग यहाँ पे रहते थे और ये पहले गौशाला हुआ करती थी यहाँ। आदर में आने जाओ। फाइनली हम आ गए यहाँ पे जहाँ पे हमें पेड़ काटना है और मुझे काटना ही वाला पेड़। और मैं आपको बताता हूँ ये पेड़ कैसे जम रखा है। तो ये पेड़, ये था हमारा बहुत ज़्यादा पुराना घर हमारे दादा लोगों का, जब हमारे दादा लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये पूरा घर खंडहर हो चुका है और ये पेड़, ये दीवार है और ये दीवार से ये पेड़ यहाँ दीवार में जम रखा है और उसी पे इतना बड़ा पेड़ हो रखा है। तो फ्रेंड्स, मुझे चढ़ना है अभी ऊपर और ये पूरा पेड़ काट रहे हैं। यहाँ पर डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सांप वहाँ ना हो। और फ्रेंड्स, ये है हमारे दादा लोगों का घर और हमारे दादा लोग और पापा लोग इस घर में रहते थे पहले, लेकिन ये अब खंडहर हो चुका है, हमने बना लिया अब दूसरा घर जो यहाँ से काफ़ी दूर है ऊपर। और घर, उस घर से आ रखे हम आज यहाँ और इस घर के दीवार में जम रखा है ये वाला पेड़ ऊपर। तो मैं इस पेड़ पर जाने वाला हूँ और इस पेड़ को काटूँगा घास के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पेड़ पर जाऊँगा और घास काटूँगा। तो
फ्रेंड्स हमने फाइनली पूरा काट दिया है, अब बस एक टहनी रह गई है, दो मैं उसको काट लेता हूँ। और एक टहनी मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि ये पेड़ के लिए रखूंगा मैं, और क्योंकि पेड़ को एकदम से पूरा नहीं काटना चाहिए, इससे हमें श्राप लगता है प्रकृति का और पेड़ का, इसलिए हमने एक पेड़ एक टहनी चाली पेड़ की। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए गौशाले में, और बस थोड़ी दूर पे रह गया गौशाला, मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा आपसे रूबरू हो जाऊं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तो फ्रेंड्स पूरा सपोर्ट करना यार मेरे चैनल को और मेरे इस ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स ठीक है भाई, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू।